नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के सबसे फेमस हिल स्टेशन कुल्लू मनाली के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जगह सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए ही बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में जब शहरों में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है उस समय भी यहाँ का मौसम सुहाना ही बना रहता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुल्लू मनाली में आप कहां कहां पर घूमें, यहां पर आप कब आएं और यहां पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दरअसल में जो कुल्लू और मनाली है, ये हिमाचल प्रदेश के दो अलग अलग हिल स्टेशन हैं, लेकिन अक्सर लोग इनका नाम एक साथ ही लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टूरिस्ट प्लेसेस आसपास ही हैं और ये जगह भारत में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले स्थानों में से एक है। कुल्लू घाटी प्राकृतिक नज़ारों, पहाड़ों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मनाली नदियों, पहाड़ों और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से लोग छुट्टियाँ मनाने, स्नोफॉल देखने, ट्रैकिंग करने, स्कीइंग करने और पर्वतों की चढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये हिल स्टेशन देवदार के जंगलों से घिरा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा। कुल्लू से मनाली की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, तो इन दोनों टूरिस्ट प्लेसेस के बीच में लगभग एक घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कुल्लू मनाली के आसपास आप कहां कहां पर घूम सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है कुल्लू। शहरों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब कुल्लू में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देख सकते हैं। कुल्लू में आप सेब के बागान देख सकते हैं, यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प सामग्री खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे रघुनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, बिजली महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पे आप घूम सकते हैं। अगर आप मछली पकड़ने का शौक़ रखते हैं तो कुल्लू में कुछ जगहों पर मछली भी पकड़ी जाती है, तो आप वहां पे जाके मछली भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मनाली। जब आप कुल्लू मनाली आएँ तो आप मनाली के लोकल मार्केट में ज़रूर घूमें। यहाँ पर आपको हिमाचल की संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हिमाचल के पारंपरिक घरों को देख सकते हैं, यहाँ के लोकल भोजन का मज़ा ले सकते हैं और याक की सवारी भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मनाली में घूमने के लिए। इसके बाद अगला स्थान है सोलांग वैली। सोलांग वैली कुल्लू मनाली में होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। सोलांग वैली में आए बिना आपकी यात्रा अधूरी है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जोरबिंग कर सकते हैं और रोपवे का मज़ा भी आप यहां पे ले सकते हैं। ये जो जगह है सोलांग वैली, ये कुल्लू से 54 किलोमीटर दूर है, जबकि मनाली से ये दूरी 14 किलोमीटर दूर है। अपनी कुल्लू मनाली की यात्रा के दौरान आप सोलांग वैली जरूर जाएँ। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास गर्मियों में बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। ये जगह गर्मियों में मई के महीने में खुलती है और जुलाई अगस्त तक बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो इसलिए ये जगह केवल गर्मियों में ही खुलती है। रोहतांग पास कुल्लू से लगभग 92 किलोमीटर दूर है, जबकि मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप कुल्लू मनाली गर्मियों में घूमने के लिए आते हैं और बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप रोहतांग पास आ सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर आता है कसौल। मिनी इसराइल के नाम से प्रसिद्ध कसौल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है, जो कि एडवेंचर बाइकिंग, तोस घाटी, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, खासकर कि इजरायली। इसी कारण से इसको मिनी इसराइल भी कहा जाता है। ये जगह कुल्लू से 37 किलोमीटर दूर है और मनाली से ये जगह 78 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पार्वती वैली। अगर आप कुछ समय शांति सुकून में बिताना चाहते हैं, अगर आपको भीड़भाड़ से दूर कोई शांत जगह की तलाश है, तो आप पार्वती वैली में आ सकते हैं। ये घाटी सुंदर ढलानों और प्राकृतिक नज़ारों के लिए फेमस है। यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी होती है, आप यहाँ पर ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मलाना गाँव। मलाना गाँव भारत का एक प्राचीन गाँव है, जो कि कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है। अगर आप एक अलग कल्चर, अलग तरह की सभ्यता देखना चाहते हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं। कहते हैं कि यहां के लोग सिकंदर की सेना के वंशज हैं और इस गांव में घूमने के कुछ अजीबोगरीब नियम भी हैं, इनको ध्यान में रखकर ही आप यहां पर जाएं। बाकी ये जगह ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। अब बात करते हैं कि कुल्लू मनाली जाने का सही समय कौन सा रहता है।
तो अगर आप कुल्लू मनाली में बर्फबारी देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में जाएं। इस समय पर यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और इस समय आप यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं और बर्फ़ में होने वाले सभी स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पर अप्रैल से जून के बीच में जाना सबसे बढ़िया रहता है। इस समय पर आप यहाँ राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप जुलाई से नवंबर के बीच में जाते हैं तो उस समय यहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए बरसात के समय में जाने से पहले आप यहाँ पे पहले सड़कों की स्थिति जान लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि कुल्लू मनाली में ठहरा कहाँ पे जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल्लू मनाली बहुत ही भीड़ भाड़ वाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ कई सारे होटल, लॉज और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ पे जाने से पहले ऑनलाइन ही अपना होटल बुक करा लें। आपको कुल्लू में और मनाली में दोनों जगह ही होटल्स की सुविधा मिल जाएगी, तो आप अगर पहले ही ऑनलाइन बुक करा लेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कुल्लू मनाली पहुंचा कैसे जाए। आप यहां पे बस, ट्रेन और हवाई जहाज से कैसे पहुंच सकते हैं। कुल्लू मनाली जाने वाले ज़्यादातर पर्यटक बस या टैक्सी से ही यहाँ पर पहुँचते हैं। दिल्ली से कुल्लू मनाली के लिए वॉल्वो बसें, साधारण बसें और टैक्सियाँ भी चलती हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 530 किलोमीटर है, तो इस तरह से आप बस से पहुंच सकते हैं कुल्लू मनाली। और अगर आप बात की जाए ट्रेन की, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली के लिए कोई डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन, और इस जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से कुल्लू की दूरी 126 किलोमीटर है। इसके बाद आपको जोगिंदर नगर से बस या टैक्सी करके ही जाना होगा। और अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है भंतूर हवाई अड्डा, जो कि कुल्लू से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आपको भंतूर हवाई अड्डे में आना होगा, और यहाँ से कुल्लू की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और मनाली की दूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से आप हवाई जहाज़ से पहुँच सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कुल्लू और मनाली के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।